नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एपेक्स डीरियो में मेरी टीम गई थी असेसमेंट करने के लिए और हमें काम मिल गया है। हमने बढ़िया से डिज़ाइन भी कर दिया है और कुछ 3 हफ्ते हुए हैं मेरी टीम को काम करे हुए, तो हमारी टीम ने काम भी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 3 हफ्ते में मेरी टीम ने क्या क्या कर दिया है, और साथ के साथ आपसे शेयर करूँगा सभी रूम के 3D डिज़ाइन। यस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। चलिए अब आपको ले चलता हूँ साइट पे। तो चलिए दोस्तों, इस समय चलते हैं हम फ्लैट की एंट्री पे, और एंट्री पे लगा हुआ है हमारी टीम का एक बढ़िया सा पोस्टर। यस, और यहाँ पे देखिए एंट्री पे, यहाँ पे आना है शुरेक और उसके साथ एक सिटिंग। तो कंप्यूटर जी, जरा एंट्री फॉयर की 3D हाजिर हो, खटैक। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त लग रही है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, और आगे जैसे ही मैं चलता हूँ तो शुरू हो जाता है हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जहाँ पे चल रहा है हमारी टीम का फॉल सीलिंग का काम। ओए होए होए, ये कौन सा स्पेशल डिज़ाइन बन रहा है? अरे, बनने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे आनी है टीवी कैबिनेट। बहुत 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 बढ़िया टीवी कैबिनेट यहाँ पे आने वाली है। कंप्यूटर जी, ड्राइंग रूम की टीवी कैबिनेट हाजिर हो, खटैक। ये देखिए दोस्तों, क्या मस्त 3D है। और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद उधर बनेगी एक वुडन सीलिंग। यस, और ये एरिया हो जाएगा हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया पे वहाँ जो खिड़की है, वहाँ पे आएगी एक स्टोरेज और उसके ऊपर आएगी ब्लाइंड। कंप्यूटर जी, डाइनिंग एरिया की फॉल सीलिंग और बाकी 3D हाजिर हो, खटैक। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बनने वाली एक बहुत आलीशान किचन। उस तरफ आने वाला है सिंक और इस तरफ आने वाला है चूल्हा, यानी हॉब। तो कंप्यूटर जी, जरा किचन की 3D डिजाइन हाजिर हो, खटैक। ये देखिए View 1, और ये भी दिखाइए, खटैक। ये देखिए View 2। और चलिए अब आपको ले चलता हूँ गेस्ट बेडरूम। तो गेस्ट बेडरूम में एंट्री करते ही यहाँ बिल्डर ने दिया है वार्डरोब के लिए स्पेस। और ये तो देखिए जरा, मेरी टीम ने कितनी साफ सुथरी फॉल सीलिंग करी है। और यहाँ पे आना है एक सिंगल बेड, जो कि हमारे क्लाइंट का एग्जिस्टिंग बेड है। और यहाँ पे आएगी बढ़िया सा वॉलपेपर, और यहाँ पे आएगा मंदिर। कंप्यूटर जी, गेस्ट बेडरूम की मंदिर व्यू वाली 3D हाजिर हो, खटैक। ये देखिए दोस्तों, ओए होए होए, क्या आलीशान है ये मंदिर भी। हम कुछ एग्जिस्टिंग यूज करेंगे, कुछ नया बनाएंगे। और इस दीवार पे होगी POP की मोल्डिंग और उसमें लगेगा वॉलपेपर। चलिए अब आपको ले चलता हूँ पेरेंट्स बेडरूम। सो गाइज, अब हम एंट्री कर रहे हैं पेरेंट्स रूम में। वहां सामने आएगा बेड। यस, और देखिए मेरी टीम ने ऊपर कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग करी है, और नीचे हम लोग स्टोन की फ्लोरिंग लगा रहे हैं। यस, वुडन फ्लोरिंग की जगह स्टोन की फ्लोरिंग। तो कंप्यूटर जी, सबसे पहले पेरेंट्स रूम की बेड बैक वाली 3D हाजिर हो, खटैक। ये देखिए क्या बढ़िया लग रही है दोस्तों। और यहाँ पे आएगी सिटिंग। यस, एग्जिस्टिंग सिटिंग है, और ये बनेगी यहाँ पे एल शेप वार्डरोब। ये इस प्रॉपर्टी की खास बात है कि वार्डरोब के लिए आपको अच्छा स्पेस मिलता है। और यहाँ पे इस दीवार पे आएगा टीवी कैबिनेट। तो कंप्यूटर जी, पेरेंट्स की टीवी कैबिनेट की 3D हाजिर हो, खटैक। ओए होए होए, देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया लग रही है। चलिए आपको ले चलता हूँ किड्स बेडरूम। तो दोस्तों, अब हम एंट्री कर रहे हैं किड्स रूम में। किड्स रूम में एंटर करते ही यहाँ पे आनी एक बड़ी सी वार्डरोब, और वो सामने आना है बेड। यस, तो कंप्यूटर जी, किड्स रूम के बेड बैक की 3D हाजिर हो, खटैक। ये देखिए दोस्तों, और ऊपर मेरी टीम कर रही है फॉल सीलिंग। अभी फ्रेमवर्क हुआ है और इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम हो गया है। देखिए मेरी टीम कितने बढ़िया तरीके से पूरी पाइपिंग वगैरह लगाती है। कई जगह मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही हवा में या सीलिंग के ऊपर पाइप घुमा देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से शेडलिंग करके लगाया हुआ है। और यहाँ पे आनी है स्टडी टेबल 1 फॉर किड नंबर 1, और यहाँ पे आनी है स्टडी टेबल 2 फॉर किड नंबर 2। कंप्यूटर जी, स्टडी टेबल 2 का 3D व्यू हाजिर हो, खटैक। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए आपको ले चलता हूँ मैं मास्टर बेडरूम।
मास्टर बेडरूम में जाने से पहले अपनी टीम की थोड़ी मार्केटिंग तो कर लूं। तो दोस्तों, अगर आप लोकेटेड हो दिल्ली NCR में और करवाना चाहते हो अपने घर में भी ठीक ऐसा ही लग्जीरियस इंटीरियर, तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.dheerajarora.com। मैं और मेरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में दोस्तों मेरी टीम ने स्टोन की फ्लोरिंग कर दी है और ऊपर फॉल सीलिंग का भी काम हो गया है। और यहाँ इस वॉल पे कोई टीवी कैबिनेट नहीं है। कितनी अच्छी बात है, मुझे भी मास्टर बेडरूम में पर्सनली टीवी कैबिनेट रखना पसंद नहीं है, ड्राइंग डाइनिंग में देखो। और ये आ गया बेड बैक, और वहाँ पे आनी है एक बे विंडो सिटिंग, और इस खिड़की को हम क्लोज कर रहे हैं और यहाँ बना रहे हैं एक बढ़िया सा ड्रेसर। सो कंप्यूटर जी, मास्टर बेडरूम की 3D व्यू हाजिर हो। खटैक व्यू 1, ओए देखिए खटैक व्यू 2, क्या सुंदर लग रहा है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया मिल गया होगा कि एपेक्स डायरियो में किस तरीके से एक 4BHK फ्लैट बिल्डर आपको देता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं इस प्रॉपर्टी को लेकर के, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, हम अपनी बेस्ट ऑफ दी नॉलेज से उसका आंसर देंगे। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में। मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इंटीरियर्स जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।